हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। दोस्तों पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, राइट? और एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आप तब यूज़ करते हो जब आपको अपनी बात को अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे करना है, राइट? डायरेक्ट पोर्ट्रे करना है या थोड़ा सा सरल वे में पोर्ट्रे करना है, राइट? तो वो तो हो गई भाई अगर आपने अपनी बात को कहना है, लेकिन अगर आपको किसी तीसरे इंसान की बात को पुट फॉरवर्ड करना है तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट अस गो अहेड इन डिटेल अबाउट इट, राइट? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको किसी और इंसान की बात को पोर्ट्रे करना होता है ना, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीकों से होती है। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको नाम से ही पता आपको लग गया होगा, राइट? तो डायरेक्ट का मतलब होता है आपने डायरेक्टली किसी भी तीसरे इंसान के वर्ड्स को विद इन कोटेशन मार्क्स पुट फॉरवर्ड किया है, राइट? जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड I am going to the market। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसा जैसा किसी ने बोला है ना, आप उसको बिल्कुल वैसे ही कोटेशन मार्क्स में, ये अगर आप देखेंगे कोटेशन मार्क्स में आप पुट फॉरवर्ड करते हैं, राइट? सो देयर इज नो चेंज इन द वर्बेटिम। तो जैसा जिसने वर्ड टू वर्ड जो भी बोला था आपने वही पुट फॉरवर्ड किया है, विच इज इन योर डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप जो है किसी और के वर्ड्स को, मतलब चेंज नहीं होता, राइट? द मीनिंग डजंट चेंज, एवरीथिंग इज कवर्ड, लेकिन आप उनको वर्ड टू वर्ड वैसे नहीं लिखते हैं जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पे ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट? तो ये उसके वर्ड्स थे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि जैसे स्पीकर ने जिसने भी बोला डायरेक्टली बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो वो आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में मैंशन करना है तो आप कैसे लिखेंगे, He said that he was going to the market। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो वर्बेटिम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट? तो यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, कि इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो होता है आप किसी की भी लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड नहीं लिखते हैं, जबकि आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं और द वर्बेटम जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड, राइट? सो यू डोंट पुट इट इन कोटेशन मार्क्स। तो मेन आपको डिफरेंस देखने से ही पता चल जाएगा, अगर तो वो कोटेशन मार्क्स में तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो आपकी डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे कोटेशन मार्क्स दिख रहे हैं, नहीं ना यूज़ होते। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी कोटेशन मार्क्स का यूसेज नहीं होता है, राइट? और थोड़ा सा वर्ड्स द मीनिंग इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन जो लिखने का उसको तरीका होता है ना वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाता है इन योर इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतना तो आपको पता चल ही गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आप एक बार ही देखने से कैसे पहचान सकते हैं, है ना? तो अब हम देखते हैं कि जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच हो तो उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कई बारी मतलब पूछे जाते क्वेश्चंस हैं, कई बारी आपको एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि इसको कन्वर्ट करें, राइट? सो दैट इज़ द पार्ट वेयर स्टूडेंट्स यूजुअली फेस अ चैलेंज, सो लेट्स ट्राई एंड कवर दैट। तो दोस्तों उसके लिए ना सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो उसके जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जब भी आप किसी के वर्ड्स को लिखने वाले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखते हैं ना, शी सेड और ही सेड और ही सेज और शी टोल्ड हिम लाइक दिस। तो आप कैसे भी आप सबसे पहले ये लिखते हैं, राइट? शी सेड और ही सेड, तो ये जो पार्ट होता है ना इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट? और ये जो पार्ट होता है जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन होती है स्पीकर की, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले ये दो पार्ट्स अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बिकॉज इन दोनों वर्ड्स का यूसेज बहुत होने वाला है आगे। सो यू शुड फर्स्ट बी अवेयर एज टू व्हाट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो हम देखते हैं कि जब आपको इसको कन्वर्ट करना होता है तो आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो मैंने आपको पहले ही बताया शुड नॉट बी केप्ट इन कोटेशन मार्क्स, वो तो बहुत ही सिंपल, आपको पहले ये चीज़ क्लियर तो है ही है कि आपको उसको कोटेशन मार्क्स में नहीं रखना है। तो आगे देखते हैं कि इसकी जो मेन टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या हैं।
the conjunction that is used between the reporting verb and reporting speech. तो अब देखिए यहाँ पे reporting verb और reporting speech का usage हुआ है, right? तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे he says I love cricket. तो यहाँ पे he says क्या है आपका? It is your reporting verb और speech क्या है? I love cricket. तो आप हमेशा जो conjunction that है वो use करेंगे between the verb and the speech. तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे ही सेज दैट ही लव्स क्रिकेट. तो यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है तो दैट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट जब भी आप इसको कन्वर्ट करें. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग फ्लो में एकदम बोल जाते हैं या लिख देते हैं, वी डोंट रियलाइज. लेकिन ये चीज़ का खास ख्याल रखिए कि दैट को आपको मिस आउट नहीं करना है जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं. ओके, चेंज द टेंस. अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिए. तो हम क्या करते हैं कि जब भी आप उसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं ना, तो आप जो आपका टेंस होता है किसका, आप योर ऑफ योर वर्ब, वो हम चेंज कर देते हैं. और लेकिन किन कंडीशन में हमेशा आप वो चेंज नहीं करेंगे, देखिए. चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस. तो अगर आपका जो वर्ब है जैसे ही सेड, तो सेड जो है वो आपका पास्ट टेंस में है, राइट? योर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका पास्ट टेंस में. इन दैट केस आपका जो स्पीच का टेंस होगा वो चेंज होगा. अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे. इस चीज़ का ख्याल रखिए. तो नो चेंजेस आर मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच If the reporting verb is in present or future in the direct speech. तो क्लियर हो गया. तो रिपोर्टिंग वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. तो जब आप देखेंगे ना उसका डायरेक्ट फॉर्म को, तो ये नोटिस करें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस फॉर्म में है. इज इट इन प्रेजेंट, इज इट इन पास्ट, इज इट इन फ्यूचर. तो यहाँ पे ही सेड जो है वो पास्ट टेंस में. तो अगर पास्ट में, तो आपको आगे जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखेंगे, यू हैव टू चेंज द टेंस फॉर्म. जैसे अब यहाँ पे इसने बोला है आई लव एप्पल्स, राइट? आई लव एप्पल्स इज इन प्रेजेंट फॉर्म. तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया, ही सेड दैट ही लव्ड एप्पल्स. तो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, और वो इसीलिए चेंज हुआ बिकॉज यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था दैट वॉज इन पास्ट टेंस. यही अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होता तो आप स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. जैसे ही सेज I am going to join the party tonight. He says that he is going to join the party tonight. तो यहाँ पे जो आपका स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं हुआ है, और वो इसीलिए चेंज नहीं हुआ है बिकॉज जो आपका वर्ब था यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे, he says, right? So says is not in your past. It can be either in your, अगर आपका reporting जो आपका verb है वो past को छोड़ के किसी भी और फॉर्म में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो वो आप उसका जो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका आप टेंस चेंज नहीं करते. तो यहाँ पे सेज है जो कि पास्ट टेंस नहीं है, तो अगर वो पास्ट टेंस नहीं होगा तो आप जब उसकी इन जो आप उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वहाँ पे आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे. क्लियर? तो ये पहले दो रूल्स हैं, इनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि और इसमें आप कैसे इन डिटेल इसको और आप क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी. ओके, तो ये तो हमने देख लिया टेंस का, ये तो हमको पता चल गया. एक हमको पता चला कि कोटेशन मार्क्स नहीं होते हैं. दूसरा आ जाता है आपका दैट, व्हिच इज़ अ कंजंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं. और तीसरी चीज़ आपको पता चल गई आपको टेंस कब चेंज करना है. तो अब आगे इसमें आपके प्रोनाउंस, तो आप देखेंगे कि आपको प्रोनाउंस को कैसे इसमें चेंज करना है. तो प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड आई ईट टू एप्पल्स डेली. तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या है? आई, राइट? तो आप नोटिस करिए इसको, मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप किसी तीसरे इंसान की बात बता रहे हैं, राइट? तो वो कह रहा था मैं रोज दो एप्पल खाता हूँ. तो ये हो गया इन कोटेशन मार्क्स. तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वो कह रहा था कि वो रोज दो एप्पल्स खाता है, राइट? तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट? तो इसमें जो आपका प्रोनाउन था डायरेक्ट स्पीच में इट वाज आई, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट होके वो हो गया है ही. व्हाई? बिकॉज यू कैन इमेजिन दैट यू आर टॉकिंग टू
a second person about some third person whom you've heard before, right? तो वहाँ पे जब आप उसको conversation में convert करेंगे, मतलब आप indirect speech में उसको convert करेंगे, तो वहाँ पे आपका pronoun form जो होगा वो भी change हो जाएगा. तो वहाँ पे it won't be I, it will be he. So what is going to be the resultant? He said that he ate 2 apples daily. तो I को convert कर दिया हमने he में. Obviously why? Because we are converting it into, we are actually not using his or her direct words, we are converting them into our own words and explaining it to some third person. तो आपका pronoun जो होगा वो भी change हो जाएगा. She said, I like your book. तो यहाँ पे I और your जो है, that is the pronoun, right? तो जब इसको convert करेंगे, so अब ऐसे imagine करिए, मुझे किसी ने बोला कि मुझे ना तुम्हारी book बहुत पसंद है. Now this thing I am going to tell it to some third person. तो मैं क्या बोलूँगी, वो ना मुझे कह रही थी उसको मेरी book बहुत पसंद है. तो हो गया ना convert. तो your convert हो गया my में, I convert हो गया she में, क्योंकि I जब वो direct speech में बात हो रही थी, so I that person referred I to his or her own self, right? But now when we are actually discussing about this third person, तो वहाँ पे वो I नहीं आएगा, वो convert हो जाएगा he और she में, right? So she said that she liked my book. तो your convert हो गया my में और I convert हो गया she में, clear? तो ऐसे imagine करिए जैसे आप किसी भी दूसरे इंसान के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं, और जब आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसके डायरेक्ट वर्ड्स तो यूज़ करेंगे नहीं. वाई? बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म. तो जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, सो दिस इज़ हाउ यू ट्रांजिशन द प्रोनाउंस विच आर यूज इन द डायरेक्ट स्पीच. तो लास्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम. तो टाइम को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखिए. जैसे इमेजिन करिए मैं आपको अभी की बात कह रही हूँ, आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे. तो टुडे यानी कि मैं जब आपको ये बात सुना रही थी तो मैं उस दिन को रेफर कर रही थी, राइट? तो टुडे कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? देखिए इसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. नाउ मतलब जब भी आप टाइम के बारे में रेफ़र करते हैं इन योर डायरेक्ट स्पीच, इट कुड बी नाउ, इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी टुडे, इट कुड बी यस्टरडे, राइट? तो कुछ भी इसी फॉर्म में आप टाइम को रेफ़र करते हैं ना, तो जब आप टुडे बोलेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन जब आप टुडे बोल रहे थे, दैट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप किसी को कुछ बता रहे थे, यानी कि या फिर जब आपको कोई कुछ बता रहा था तो वो उस दिन के लिए रेफ़र कर रहे थे, राइट? लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं तो वो उस दिन तो गया, राइट? इट्स नॉट द करंट टाइम दैट यू टॉकिंग अबाउट. तो जो आपका टुडे है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट डे. तो ये उस दिन की बात हो रही है, दैट इज़ वाई यू सेड दैट शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू बाय अ लैपटॉप दैट डे, या फिर शी इज़ बाइंग अ लैपटॉप दैट डे. तो यहाँ पे आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे, तो टुडे उस दिन की बात हो रही थी, राइट? लेकिन आज जब आप उस दिन के बारे में किसी और को बता रहे हैं तो वो टुडे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दैट डे, और टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली नेक्स्ट डे, यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे में, और नाउ कन्वर्ट हो जाएगा इन देन, राइट? जैसे कि आई एम गोइंग टू द पार्टी नाउ, मान लीजिए ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, राइट? तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, आप बोलेंगे शी सेड दैट शी इज गोइंग, शी वॉज गोइंग टू द पार्टी देन, राइट? तो नाउ कन्वर्ट हो गया देन में, और टुडे कन्वर्ट हो गया दैट डे में, येस्टरडे कन्वर्ट हो गया प्रीवियस डे में, टुमारो कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट डे में. बहुत ही आसान है जी, कुछ ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है. टेंस कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन कन्वर्ट करना है, टाइम कन्वर्ट करना है, और दैट को यूज़ करना है. तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको ध्यान में रखने हैं. तो आगे देखते हैं कि हमें और फॉर्म ऑफ स्पीचेस कैसे होंगी और आप उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो दोस्तों मान लीजिए कि जो आपकी स्पीच है वो इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव स्पीच, राइट? यानी कि इन द फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन मार्क. तो इन दैट केस आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब्स,
चेंज इट इन टू इफ और वेदर. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होंगे, और वो आपको तब पता चलेगी जब आप वर्ब्स वाली वीडियो देखेंगे, राइट. तो वर्ब्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, राइट. तो यू वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं बी, डू और हैव, राइट. तो इनकी बी, डू और हैव की कई सारी फॉर्म्स में जब आपके वर्ब्स यूज़ होंगे तो वो आएंगे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में. तो जब भी आपके जो स्पीच है वो स्टार्ट होगी विद एनी ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट, तो उनको आपको कन्वर्ट करना है इन इफ और वेदर. एग्जाम्पल देखिए, ही सेड डू यू नो माई नेम, तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. तो ही आस्क्ड इफ शी न्यू माई नेम, राइट. सो यहाँ पे डू जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया इन इफ. तो डू यू नो माई नेम, तो जब वो क्वेश्चन था, राइट, तो क्वेश्चन को जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलेंगे ना, तो आप इफ यूज कर सकते हैं, वेदर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड. तो डू यू नो माई नेम कन्वर्ट हो गया इफ शी न्यू माई नेम में, करेक्ट. इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद वॉट, लीव इट इंटैक्ट. Reporting verb said is changed into asked, demanded, questioned, inquired. तो यहाँ पे भी अगर वो what से आपका question शुरू होता है तो आप उसको तो as it is छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका reporting verb होता है ना वो convert हो जाता है in demanded, asked, questioned, inquired. So obviously बात है, आप इसको what को इसमें क्यों convert कर रहे हैं, आपके reported verb को इसमें क्यों convert कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चनिंग है वो किस लिए होती है, या तो वो आपको किसी को कुछ पूछना होता है या फिर कुछ डिमांड करना होता है, क्वेश्चन, इंक्वायर. तो ये सब मतलब एक तरीके के पूछताछ के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ये वो हैं. तो बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन, राइट, तो अगर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप इसके लिए यही वर्ड्स यूज़ करेंगे, राइट. तो जैसे ही सेड वॉट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे ही आस्क्ड वॉट हिज नेम वॉज, राइट. I said to him, do you know how to speak English? I asked him whether he knew how to speak English. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये वर्ड्स जैसे whether यूज़ किए गए हैं या asked यूज़ किए गए हैं, तो what को आपने वैसा ही रखा है. इन द केस अगर आपकी स्पीच जो है वो what से शुरू हो रही है तो आप what को वैसे ही रखेंगे, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रही है तो वो आप कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे डू यू नो को आपने कन्वर्ट कर दिया, ही आस्क्ड हिम वेदर ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट. तो यहाँ पे आपका व्हाट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्लियर. तो आगे आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट एवर यू रेड अबाउट इट, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीटली कंसोलिडेट इट इन योर माइंड. ओके, तो इनको आपको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. हिज फादर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो हिज फादर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो यहाँ पे आपने टेंथ इसलिए चेंज नहीं किया, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो आपका वर्ब था दैट वॉज नॉट इन योर पास्ट टेंस. रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. तो आपका नाउ कन्वर्ट हो गया इंटू देन. ही सेड टू हिम इज योर नेम खालिद और नॉट, राइट. सो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम वेदर हिज नेम वॉज खालिद और नॉट. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा, राइट, तो इसीलिए जो है आपने इंक्वायर वर्ड यूज किया है, करेक्ट. अली सेड टू द बेगर आई नो यू वेरी वेल. सो अली सेड टू द बेगर that he knew him very well. He said, yes, I'll come and see you. So he said that he will come and see me. Ram remarked, what a wonderful day. Ram explained what a wonderful day it was, right? तो यहाँ पे जो है आपने exclaimed इसलिए use किया है because आपके end में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. तो उससे क्या होता है, जो आपकी जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी के वर्ड्स को, राइट, तो यू डोंट वांट कि उसको जब आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो यू डोंट वांट कि जो उसका रियल एसेंस है वो चला जाए, राइट. तो इसीलिए आप उसको एक्सक्लेम्ड भी उसमें यूज़ करेंगे सो दैट पूरा जो एक्सप्रेशन था आपकी डायरेक्ट स्पीच का वो वैसा का वैसा ही आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आए.
The poor beggar said, "Oh God, have mercy on my soul." The poor beggar prayed to the God to have mercy on his soul. Right? Because here the poor beggar said, "Oh God." So here obviously prayer ho rahi hai na, "Oh God," like, "Hey Bhagwan, meri madad karo." It's like that. So here it's the form of a prayer, right? So isliye the poor beggar prayed to the God to have mercy on his soul. He said to me, "I expect you to attend the function." So he said to me that he expected me to attend the function. Raj said, "I am teaching English online." Raj said that he is teaching English online. He said, "By God, I am ignorant of the matter." So yahan pe he sweared by God that he was ignorant of the matter. So yahan pe by God jo hai, it is the form of a swear, right? So isliye aapne lagaya, aapne isko jab convert kiya hai, you have said that he said he sweared by God that he was ignorant of the matter. Clear ho gaya? तो यहाँ पे इनके आंसर्स आप लोगों के लिए रेडी हैं जब भी आप इनको प्रैक्टिस करें. सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मिलते हैं हम दोबारा अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड ट्यूटोरिक्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ. जल्दी से डाउनलोड करिए ऐप अगर आपने नहीं किए है, और हेल्प चाहिए तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. जल्दी डाउनलोड करिए एंड मैथ्स एंड साइंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, राइट? सो आई वांट यू ऑल टू रियली बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई वी डू. सो दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में.